नमस्कार, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए मेवालाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जी हाँ, भ्रष्टाचार का आरोप था उन पर, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा था और विपक्ष को हाथों हाथ एक नया मुद्दा मिल गया था, सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का। इस बीच अब मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के मंत्री पद पर नियुक्ति की चुनौती वाली याचिका को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 163(1) के तहत मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी को मंत्री के रूप में नियमों के विरुद्ध 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक कार्य करने दिया गया, जबकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 6 मई 2020 को ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि 16 नवंबर 2020 को विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से वे मंत्री बने। याचिकाकर्ता ने बताया कि 17 मार्च 2021 को उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस तरह 6 मई 2020 से 5 नवंबर 2020 तक उनके मंत्री पद पर बने रहना असंवैधानिक है। 16 नवंबर 2020 को मंत्री पद पर नियुक्ति व राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाना संविधान के नियमों के विरोध में है। इस मामले पर महाधिवक्ता ललित किशोर से अनुरोध किया गया है कि उक्त याचिका की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। हालांकि 19 जुलाई को याचिका पर सुनवाई है। मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 19 तारीख को क्या कुछ सुनवाई में फैसला लिया जाता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।